जब भी मैं बोर फील करता हूँ मैं यूट्यूब देखता हूँ। जब भी कहीं वेट कर रहता हूँ कोई अपॉइंटमेंट के लिए, या बस में ट्रैवल कर रहता हूँ, या कभी ट्रेन में रहता हूँ, तो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखने काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, और काफ़ी सारे वीडियोस मैं देखता रहता हूँ। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ क्यों और किसे यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज़ सुपर जोगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स मिस ना हो। गैज, यूट्यूब में हर रोज़ टन्स ऑफ वीडियोस अपलोड होते हैं, तो क्या सारे वीडियोस यूट्यूब पर जो सारे वीडियोस अपलोड होते हैं वो क्या देखना सेफ है? आज मैं बताने वाला हूँ इन सब वीडियोस के बारे में। गैज, यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट है, ऑब्सीन वीडियोस हैं, वायलेंस वाले वीडियोस हैं, और ऐसे वीडियोस अभी भी आपको यूट्यूब पर अभी भी मिलेंगे। और ऐसे वीडियोस को यूट्यूब फिल्टर करने में काफ़ी समय लगा देता है, महीने तो महीने और बरसों भी लगा देता है, और अभी भी ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल उठता है, ऐसे वीडियोस से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? ऐसे वीडियो से मेरा मानना है सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है बच्चों के लिए भी। तो और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, यूट्यूब में क्या सेंसरशिप है? यूट्यूब में मेरा मानना है एक्टिव सेंसरशिप नहीं है। जो भी यूट्यूब सेंसर करता है वो बेसिकली एक एल्गोरिदम के बेसिस पे करता है, जो एक मशीन लर्निंग है। और तो अगर बच्चे अगर यूट्यूब एक्सेस करते हैं तो ऐसा होने से बहुत अच्छा होता। अगर यूट्यूब में को बच्चे एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा होने से अच्छा होता, अगर जितने सारे वायलेंस वाले कंटेंट हैं, ऑप्शंस कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट्स हैं, इसको अगर यूट्यूब से निकाल दिया जाता, ऐसा कोई ऐप्स होता जिसमें से ये लेस हो जाता ऑप्शन कंटेंट्स और जितने सारे एक्सप्लिसिट कंटेंट्स हैं। और ऐसा ऐप्स है, यस ऐसा ऐप्स है, एंड दैट इज़ यूट्यूब किड्स। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब किड्स ये जो ऐप है ये टोटली सेपरेट ऐप है, और ये ऐप एम किया हुआ है बच्चों के लिए, और इसमें ऐसे वीडियोस हैं जो काफ़ी फैमिली फ्रेंडली हैं और एडुकेशनल क्लिप्स हैं, और इसमें जनरली 5 कैटेगरी के वीडियोस, सारे वीडियोस को 5 कैटेगरी में इसमें सेग्रीगेट किया हुआ है, और इसमें पैरेंटल कंट्रोल है और सर्च फंक्शन भी है। जो सर्च फंक्शन है उससे यूट्यूब किड्स ऐप से जब कोई सर्च करता है तो फिर वो यूट्यूब जो ऐप्स है उसके सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाता है। बट यूट्यूब किड्स ऐप क्या करता है, जो वीडियोस यूट्यूब पर हैं उसका जो सेफ कंटेंट है उसी को फिल्टर करके वो अपने ऐप पे लाता है। यानी इन द नट सेल, जो सेफ कंटेंट वाले वीडियोस हैं वही आप यूट्यूब किड्स ऐप पर देख पाएंगे। वो वीडियो जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब किड्स ऐप से तो वही वीडियोस यूट्यूब किड्स ऐप पर आएगा, यूट्यूब के वीडियोस यूट्यूब किड्स ऐप पर आएगा जो सेफ। और पेरेंटल कंट्रोल फीचर है, तो कोई अगर चाहे तो सर्च फंक्शन को भी डिसेबल कर सकता है। पेरेंटल कंट्रोल फीचर इसमें काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं। यूट्यूब किड्स ऐप में पेरेंटल कंट्रोल की काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। इनफैक्ट जैसे आप वॉल्यूम कैप करना हो, सर्च को डिसेबल करना हो, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और एंड स्क्रीन टाइमिंग की फीचर है। और इस यूट्यूब किड्स ऐप में जो कमेंट्स हैं वो डिसेबल्ड है, दैट मीन्स कोई भी अगर इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स रहते हैं तो यूट्यूब किड्स ऐप पे वो नहीं दिखेगा, टोटली डिसेबल्ड है। यानी कोई ट्रॉलिंग हो, कोई ट्रॉलिंग नहीं कर सकता, कोई साइबर बुलिंग नहीं कर सकता, तो ये काफ़ी सेफ है। और यूट्यूब किड्स ऐप में वो भी फीचर है, उसको क्रोमकास्ट भी किया सकता है, टीवी पर क्रोमकास्ट भी किया सकता है। अब मैं बता दूँ ये यूट्यूब किड्स ऐप काम कैसे करता है। यूट्यूब किड्स ऐप ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, iOS में भी अवेलेबल है। इसको सिंपली डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन करना है, और सेटअप के लिए अपने बच्चों के लिए डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, और
उसमें जो बाकी से इंस्ट्रक्शन से काफ़ी सिंपल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और जो भी पैरेंटल कंट्रोल है वो आप अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, बेसिकली प्रोफाइल बनानी पड़ती है, अपने बच्चे की प्रोफाइल बनानी पड़ती है। सेटअप करते समय बच्चे की प्रोफाइल बनानी पड़ती है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो सारे के आप प्रोफाइल बना सकते हैं, सारे के डेट ऑफ बर्थ डालकर प्रोफाइल बना सकते हैं, और सारे में अलग अलग तरीके से पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर है। और तो आप प्रोफाइल बनाकर, जब प्रोफाइल बना लेंगे तो उसके बाद सेटअप हो जाएगा, और सिंपली अपना सेलफोन बच्चों को दे सकते हैं और वो अपने प्रोफाइल में एक्सेस करेंगे। जब कोई दूसरा बच्चा उसको एक्सेस करने जाएगा तो आप प्रोफाइल को चेंज कर जाइए, स्विच कर जाइए, कर दीजिए, दैट्स इट। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 5 कैटेगरी की वीडियोस हैं, रिकमेंडेड है, शोज है, म्यूज़िक है, लर्निंग है एंड एक्सप्लोर है। तो पांचों कैटेगरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, और काफ़ी जो कैटेगराइज किया हुआ है इससे वो सेफली और अपने कैटेगरी के वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब किड्स ऐप का ये जो यूनिक फीचर ये है, जो ये किड फ्रेंडली है, सो जो सारे वीडियोस हैं वो बेसिकली वो किड्स वाले वीडियोस हैं, और उसी को एम करके इस ऐप्स को डिज़ाइन किया गया है। पैरेंटल कंट्रोल के फीचर हैं, अब काफ़ी सारे अपने कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं, जो कैसे बच्चे वीडियोस देखेंगे, और वॉल्यूम कैप कर सकते हैं, सर्च को डिसेबल कर सकते हैं। इसमें आप प्रोफाइल स्विच की फीचर है, आप चाहे एक से ज़्यादा बच्चे हो तो उनके सारे प्रोफाइल बना सकते हैं और स्विच कर सकते हैं, जो भी बच्चा देख रहा हो उसका आप प्रोफाइल सेट करके उसको दे सकते हैं। इसमें टाइमर की फीचर है, टाइमर इज़ जस्ट लाइक ए बैड गाय, जैसे ही आप टाइम सेट करते हो, जो 30 मिनट्स तक वीडियो देखेगा कोई बच्चा, कोई यूट्यूब किड्स को देखेगा, तो वो 30 मिनट्स के बाद वो शो करने लगता है, वो जो किड कर रहा होगा उसको दिखाने लगता है। एंड ब्लॉकिंग की भी फीचर है, कोई वीडियोज आपको लगता है इनअप्रोप्रिएट है, आप चाहते हो आपका बच्चा ना देखे तो उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सारे काफ़ी फीचर्स हैं यूट्यूब किड्स ऐप में। और एक स्पेशलिटी, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। रिसेंटली आई थिंक ये एडवर्टाइजमेंट डिसेबल हो गया है, रिसेंटली कोई अनाउंसमेंट में यूट्यूब का उसने एडवर्टाइजमेंट डिसेबल कर दिया। यूट्यूब किड्स ऐप काफ़ी सारे कंट्रीज में है, इंडिया में भी है, और अगर आपके बच्चे यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब किड्स ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और आपके व्यूज़ क्या हैं और सजेशंस क्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, जिनके बच्चे हैं उनको शेयर करें। सी यू देन, बाय।